हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रहना सवल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले दिस ब्यूटीफुल ब्लू ग्लिटरी आई मेकअप लुक। आई होप आप सबको ये लुक पसंद आ रहा होगा। उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास के लिटिल बेल आइकन को प्रेस करके। तो चलिए देख लेते ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर। इसको टोनर की तरह यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जॉनसन बेबी का लोशन। ये ऐसे मॉइस्चराइजर वर्क करेगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ WOC का प्राइमर। इसको मैंने लोकल स्टोर से ही लिया था, तो इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपने टी जोन एरिया पे। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर, और कलर करेक्टर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ LA Girl का कलर करेक्टर। इसको मैं अपनी अंडर आई पे अप्लाई कर लिया है, एंड फिंगर की हेल्प से अच्छे से ना गाइस डैब डिप करते हुए ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ERC का HD प्रोफेशनल फाउंडेशन। इसको मैंने लोकल स्टोर से ही लिया था, एंड एक वेट ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डिप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हो फाउंडेशन को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अगेन LA Girl का कंसीलर, और इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपने अंडर आई पे, आईलिड पे, और उसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना गाइस अच्छे से डैब डिप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सो गाइस, अब मैं बेकिंग कर लूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर, एंड एक पाउडर ब्रश की हेल्प से इसको मैंने अप्लाई कर लिया है अपने अंडर आई पे। उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी, तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का प्रेस पाउडर, एंड इससे मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड देन मैं जो एक्सेस पाउडर है ना, उसे डस्ट ऑफ कर लूँगी। आप देख सकते हो गाइस, मैंने इसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर लिया है। अब चलते हैं अपने आई मेकअप की ओर। सो गाइस, आई मेकअप के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर स्टूडियो पैलेट में से ये पिंक शेड को, एंड इसको मैंने पिक कर लिया एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, एंड अप्लाई करते हुए अपने क्रीज पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हो मैं किस तरह ब्लेंड कर रही हूँ इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन पे। उसके बाद उसी पैलेट में से मैंने ये ब्लू शिमरी शेड को अपनी फिंगर की हेल्प से पिक कर लिया है, एंड अप्लाई कर लिया अपनी मिडिल लिड पे। अगर फिंगर की हेल्प से आई शेडो को अप्लाई करते हो ना गाइस, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन मिलता है। उसके बाद एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हर्श लाइन ना दिखे। एंड देन ऐसे फॉर पैलेट में से मैंने ये ब्लू ग्लिटरी शीट को पिक कर लिया अपनी फिंगर की हेल्प से, एंड इसको डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ अपनी मिडिल लिड पे। उसके बाद मैं अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूज़िक फ्लावर का ब्राउ पोमेड, एंड इससे मैं अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने अपने ब्राउज को अच्छे से फिल कर लिया है। अब मैं आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी, तो मैं यहाँ लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आज मैं आईलाइनर को विंग रख रही हूँ, आप चाहो तो सिंपल भी रख सकते हो। एंड गाइस, मैंने आईलाइनर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टर ऑफ मिलान का ब्लश। अब मैं कंटूर कर लूँगी, तो उसके लिए मैं कलर स्टूडियो पैलेट में से मैंने ये लाइट ब्राउन शेड से कंटूर कर लिया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा के लिए मैं वाइल्ड एंजल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं कर लूँगी हाइलाइटर, तो हाइलाइटर के लिए मैं SFR पैलेट में से मैंने वेट शिमरी शेड को पिक कर लिया है, एंड इससे अपने हाइएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं इनसाइड कॉस्मेटिका लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है, आप देख सकते हो। सो गाइज, मैंने लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। सो गाइज, दिस इज द फाइनल एंड फिनिश लुक। आई होप आप सबको ये ब्लू ग्लिटरी आई मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, एंड ज़रूर से कमेंट करके बताइए आपको कौन सा लुक चाहिए, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज लेके आऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।